यही हमारे यहाँ आई, यही संघ था इनका नाम। ये कहिए एक हफ्ते गायब हो जाएं, कहो एक महीने गायब हो जाएं, कहो ना हमें इत्तेफाक से आ गए हैं, तब इनको हम अंदर करवाने जा रहे हैं। धूप में ये ना होते, अब बोलिए हम अकेले क्या करते। जितने हमारे साथी संगी हैं, किसी का है पता? कोई आया अभी तक? कोई फ़ोन आया? नहीं आया। हाँ अच्छा, तो क्या नाम, हाँ अब यहाँ धूप में रखना है। हाँ चलो चलो चलो, इसका ले चलो, तुम ले चलो। हाँ हाँ उठाओ, उठाओ पकड़ो काचा थी का। हाँ ले उठाओ, चलो तुम खुद मर जाइए हो। अच्छा जाओ अपन काम करो जाके। हाँ तुम जल्दी तुम जो है जल्दी जल्दी बेदा हो जाइए हो। यह हनुमान जी की महासेवा है। चलो अंदर जाओ, कोई चल करो। हाँ वो भले ना, वो तो पार्लर ऐसे भी बंद हो ही रहा है, जब कोई रहने वाला नहीं यहाँ। एक कहाँ है, कहाँ है, इसके कान में कुछ तकलीफ है क्या? चलो ले लो, क्या बात क्या बात क्या बात। हाँ अब जाओ इधर से उठाओ, या हम तुम खींचो हम। हाँ कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, घबराओ मत। हाँ लेव अई खबर, हाँ लेव ऐसे घूम जाओ, कुर्सी हटाओ, ये कुर्सी हटाओ पहले। कहाँ कहाँ कहाँ, कितनी तकलीफ है रे, अस्पताल होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, हनुमान मंदिर घंटी घंटा। अरे जाओ बंधो, भोगोगी थी यही हाल तुम्हारा भी होगा। ये हनुमान भक्तो इधर आओ, इस ऐसे काम में लगो, आवाज़ उठाओ हमारे साथ। बस 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 ऐसे घुमा दो थोड़ा, बस थोड़ा ऐसे कर दो बस। अब रात में इधर करा देंगे जब जाने लगना, और ये तीन लट्ठे जो हैं इन तीनों को तो यहाँ से फिलहाल हटाई दो, ठीक। ये तीनों लट्ठों को सुनो, पहले पहले अपनी चाय उठाओ। नहीं छहरे में, हाँ बस उनका, हाँ 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 नहीं रही, जहाँ साइकिल तुम्हार खड़ी है हिया रखे है। अरे हिया रखो ताकि आदमी हमें कम से कम कोई आवे बैठ तो जाए। हाँ चलो वो फाटक बंद करो, ऐसा हम बंद कर लेते। तुम छोड़ो, तुम अपन चाय उठाओ पहले, जाओ ऐसा बंद करके आओ। अब इसको धूप मिलेगा, इसके जान में जान आएगी। रात में इनको यहाँ उड़ा के रखेंगे। श्रीमती जी का देखा फरमान जारी हुआ, हुए रखो और ग्राहक ना आई। अरे ग्राहक जाए चूल्हे भाड़ में जाए, ब्यूटी पार्लर तो ऐसे भी बंद होने वाला है। अब बेटी हमारी जब वहाँ लखनऊ में रहेगी जाके, तो पार्लर तो ऐसे भी बंद होगा। अब पार्लर खोले हो चाहे बंद हो जाए, इनकी सेवा से बढ़ करके ना कोई हनुमान जी की सेवा है, ना कोई हनुमान जी की पूजा है, और इन्हीं की सेवा से बड़े बड़े संकट आपके दूर होंगे। और जो इनका विरोध करेगा वो जल्दी मर जाएगा, भी नोट करके रख लीजिए आप। ये संकट संकट हरण संकट मोचन इनको कहा गया है। अब इधर देख रहे हैं ये रोटी सब फैली पड़ी है, ये गद्दा वाले कई बार मैंने वीडियो में दिखाया, वो देखता भी होगा। इसे पूरा रोटी भेज दिया, बताइए इसको कौन तोड़े? हम अगर रोटी हम तोड़ेंगे तो हमारा काम कौन करेगा? उधर यहाँ दवा भी रखी, उसको भी बाहर रख दें ताकि संज्ञान में रहे, वरना ये भी ना भूल जाए। अस्पताल में नंदी भर्ती है जो हमने सुबह दिखाया है, 320 रुपए का बोतल है ये। अब इसको हमको जाके नंदी को एक खुराक पिलवाना है। भुवन सिंह आज गए हुए हैं वहाँ, बेटी है बनारस में, और जितने हमारे संगी साथी हैं, किसी का कोई ऐसा पता नहीं है। वो पता अगर वो आ भी जाएँ तो हम जानते हैं वो काम ढंग से नहीं होगा। हमें सब काम छोड़ करके इनको कुछ काम बताएंगे, घंटे दो घंटे के लिए आते हैं, ढाई घंटे के लिए अपना काम करेंगे, उसके बाद इनको विदा करो। विदाई में फिर सब कुछ करना पड़ता है, सब अस्त व्यस्त आप हाल देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक। ये अब वो भी आ गए, कहिए एक महीने गायब हो जाएं, कहिए दो महीने नाव में। देखिए सब चिड़ियों की आवाज़ देख रहे हैं, ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर आवाज़। अरे भैया यही यही प्रकृति की सेवा है,
एक पेड़ अगर आपने लगा दिया और पेड़ बड़ा हो गया, वो गुलर का पेड़ दूर देख रहा है, एक गुलर लगा दीजिए आप, एक पीपल लगा दीजिए, कई जन्मों तक आपके नाम से भोज भंडारा होता रहेगा। अब ये सब जितने लक्कड़ पड़े इनको भी हटवाना है, नहीं पानी बरसे अगर भीग जाएगा, लकड़ी है ख़राब हो जाएगी। तो एक नमूना मैंने दिखाया, सुनो अब संगठ चाय पी के वो तीनों खंभा वो और ये वहाँ जो मैदान में पड़ा ये सबका ढंगा के तुम पहले छहरे में कर दो, कसो कर दो किनारे। हाँ भी हमारे कच्चे ज़मीन में है ना, तो नीचे से वो ख़राब हूं कर सीलन से पक्के, हाँ पक्के ईंटा पर। कहाँ पर तो हुआ, कहाँ छावा जा रहा है? हाँ हाँ हाँ, अरे देखो कबाड़ी की यहाँ से लाना है वो सरिया और पाइप। अब हम कहो अस्पताल जाई, नंदी की दवा पिलवाई, कहो बंदर का इलाज करी, कहो हम कबाड़ी के यहाँ जाई, यही है देखो परेशानी उलझन। ऐसे में कोई फ़ोन आवत है तो मुंह से सरापे निकलत, ओ आप बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत आप अच्छे हैं, अरे भैया हमका मत बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक करो, समर्थन में खड़े हो जाओ, हमारी ताकत बन जाओ, ताकि हम ऐसे काम हम फिर हलो हलो में करवा में। आज मेरे पास पावर होता मैं अस्पताल फ़ोन करता, कंपाउंडर आ करके या डॉक्टर आके इनको देख लेता, इनका इलाज होता नहीं। अब वहाँ जाओ आधा घंटा एक घंटा बैठो, सलाम करो, जी हजूरी करो, तब वो कहीं फिर एक आदमी आएगा, वो भी बिना देखे डॉक्टर साहब से इंजेक्शन लिखवाना होगा, अंदाज से वो इंजेक्शन लिखेंगे, तब इनको इंजेक्शन लगेगा। अब लोग कह देंगे साहब लेके आइए, बताइए हम इतने बड़े पिंजड़े को लेके कैसे जाएं, इनको हम कैसे पकड़ लें जाके, तब बहुत ही हालत ख़राब होती है तभी इनको छू सकते हैं। अभी तो ये होश आवास में है, अभी अगर हम गेट को सेट के नहीं खोल दें, जैसे पिछला बंदर भाग गया था, पता नहीं जिंदा है कि मरा, मरा कि क्या हुआ, उसके भी घाव में सड़न थी, होनी की बात देखिए आप, यही तकलीफ़ है इनको, पूरा ऊँट भी इसका लड़ाई झगड़े में कटा पड़ा है, कहीं कोई जगह हाँ हाँ नहीं, ये घाव तो ये पहले के हैं, उसका दांत खुला हुआ है, लेकिन ये जो मुँह से सांस ले रहा है, कोई सर्दी उर्दी लगी है का? अब जाइए डॉक्टर साहब से मिली जाके, उधर जाइए नंदी के दवा पिलवाइए, जो कहा ना फाटक खुल जाए कायदे से, और साइन बोर्ड का ऊंचे से बांध दो। अच्छा हाँ, साइन बोर्ड का ऊंचे से बांधो, वो सीढ़े वही वही चौगड़िया लगा के खूब कायदे से, पहले तो ये तीनों लट्ठा हटा दो, ताकि इतने दूर में रात में पिछड़ा कर देवे, बगले में इनका हीटर लगाइए रात में, सब पूरा ढकना पड़ी, ये देखो सब एक अकेला आदमी है, यह सब बंदर का रोटी रखा, शाम को बंदर भोज, बताइए अब ये गड्ढा क्या गड्ढा आया है, इनको कौन तोड़ेगा? तो मैं वाणी को विराम देता हूँ, यही हमारी ज़िंदगी है, चाहे जितना लोगों को समझा में, लेकिन नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। अब हनुमान भगत जो लोग हैं वो कहे नहीं लोग हमसे जुड़ रहे हैं, वो हनुमान भगत जो हैं ये चाहते हैं कि ससुराई बाबा कहाँ मर गया, अरे हम लोग बढ़िया हनुमान जी को लड्डू दिखाते रहे और खाते रहे प्रेम से, टीका लगाते रहे, वहा हा बजरंग बली पूँछ उठा के नाचते रहे होंगे, हैं क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्यों अपने आप को धोखा देते हो, अरे रियलिटी पर आओ, यथार्थ पर आओ, यथार्थवादी बनो। देखो एक मजबूर जाहिल आदमी कह रहा है कि तुम्हें मुकाबले को करी यही को रोटी खा रहे हैं, क्या क्या गजब की बात कह गया, पढ़ा लिखा एक अक्षर नहीं है, संगठा नाम है, कहें यही बात के तो रोटी खा रहे हैं, क्या गजब की बात कह गया, सोचिए आप, वो नहीं बोला, उसकी आत्मा की आवाज़ है, ले आओ हाँ, इसको कहीं भी छहरे में वहाँ एक जगह रख दो, या जो नारियल वाला लट्ठा है उसी के ऊपर लदा दो, जब वहाँ से राबिस हटेगा और एक टीन का टुकड़ा इसके ऊपर रख दिया जाए, है ना, ताकि ये कच्चे ज़मीन में अंदर रहे, और वहीं रख दो, रुक जाओ इसको पाइप को कर दें, वरना पाइप इसी में फट जाता है, किनारे कर दो, सही बात, यही बात कि लोग रोटी खा रहे हैं, हैं
बहुत दिन से तुमसे कह रहा हूँ, मगर तुम्हें याद नहीं कर, इसी के रोड का लिखते ही आवत। पाइप का खोल के हटा दी ना, ताकि पाइप को पसंद ना लग जाए, का पुराना पाइप है, जहाँ दबा तहाँ वो फटा। काम है, काम है, रात दिन काम करो, रात दिन काम करो, रात दिन काम करो, फिर भी काम ख़त्म होने को नाम नहीं लेता। देखना अब यहाँ, अब यहाँ घास निकल आए, हाँ यहाँ सब ये घास निकलवाना, इतना देखने के बाद सुनने के बाद है। अरे भैया अपने दिमाग से गुलामी हटाओ हुजूर, कितने दिनों तक गुलाम रहा हमारा देश, और उसके बाद फिर काले अंग्रेजों द्वारा गुलाम रहा 70 साल तक, कितना नंगा नाच हुआ देश के अंदर। आज एक हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी वार्ड नहीं है, और कौन आयोग और कौन जोग और कौन संस्था और क्या क्या सब नाटकबाजी हमारे देश में हो रहा है। करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, अरबों रुपए करोड़ों रुपए गंगा के सफाई नाम पर खर्चा हो गया। कोई किसी से पूछने वाला है? नहीं पूछने वाला है, नहीं। वो जानते हैं कि हम तुम्हारी खोलेंगे तो हमारी खोलोगे, इसलिए मन की माना करते रहो। तो आज तक एक धन्यवाद का पत्र आया किसी भी सरकार में कि आपने 49 दिन का अनशन अकेले दम से किया है, और आपके अनशन के ऊपर हम ये देश हमारा जो है ये क्या नाम, हमने गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। नहीं आया, क्यों नहीं आया, इसके पीछे कारण है, आप खुद ही जानते होंगे कि इसका शंखनाद करने वाला वो अरबपति खरबपति है इस समय। तो अरबपति खरबपति के आदेश का हम पालन करेंगे, और यहाँ तो अब हम क्या कहें एक फूटी कौड़ी जेब में नहीं है, जो है यही सब पेड़ पौधा पशु पक्षी में लगाना, दिखाना, बताना। ऐसा गई है गुजरात से हमारे क्या नाम भावेश मेहता साहब आ गए, हमने कहा बाबा जी अब जय गुजरात बोलना शुरू कीजिए। हमने कहा अरे साहब गुजरात, हमारे मन में यही कलक थी कि हमारा भगवान, देश का भगवान हमारा गुजरात में रहता है। अब ये सब सुनने के बाद ये जो एंटी पार्टी वाले हैं, हैं मने मन हमको गाली देते हो गए। अरे तुम अपने आप को गाली दे क्यों, तुम अपनी मौत को नहीं देख रहे हो, एक जानवर भी अपनी मौत को नहीं देख रहा है, हैं तुम्हारे और जानवर में क्या अंतर रह गया। श्याम साधु तो आँखों में मिर्चा डाल डाल के जगा रहा है, आपको बता रहा है, अब फिर भी नहीं तुम जाग रहे हो। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, वही पांडे जी की कहावत कि जब सब आदमी साधु जी आपके बातों से आपका फॉलोवर्स बन जाएगा, तो 84 लाख योनियाँ जो मौजूद हैं वो कीड़े मकोड़े सांप छुछुंदर कैसे बनेगा, इसलिए आपकी बात उसके समझ में नहीं आएगी। और ये गांधारी गांधारी का देश है, आज भी गांधारी के पट्टी लोगों के आँखों में बंधा है और ये बंधा रहेगा। और हमारे पीएस मिश्रा जो पुलिस में है, उन्होंने कहा कि मनुष्य आता है जीवन जीता है और मर के चला जाता है, लेकिन मनुष्य नहीं बन पाता है। ये पुलिस विभाग के पीएस मिश्रा जी के वचन हैं, सोचिए आप। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।